कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, सच आया सामने। अंधविश्वास फैलाने का आरोप, कभी जादू टोने का आरोप, कथा वाचक पर ही लगा कथा छोड़ जाने का आरोप। क्या वाकई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या पाखंडी है, या उनके ऊपर ये इल्जाम लगाना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। बीते दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है। बागेश्वर धाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर, उनकी शक्तियों पर, उनके चमत्कारों पर सवाल उठने चालू हो गए हैं। क्या वाकई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार कर सकते हैं? आखिर इनके पास ऐसी सिद्धि आई कहां से? आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कहां से आए हैं? कैसे बने ये बागेश्वर धाम सरकार? अचानक क्यों इतने विवादों से गिर गए हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बागेश्वर धाम बनने के पीछे क्या रहस्य है और बचपन से लेके अब तक के कहानी। आजकल ये विवाद में है और दूसरे कोई क्यों विवाद में नहीं आते? अगर इनके चमत्कारों को चमत्कार नहीं माना जाता तो चलिए ठीक है, तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं? कई सारे पादरीज की भी ऐसी वीडियो अवेलेबल है और कई ऐसे बास्टर्स की भी वीडियो अवेलेबल है जिनमें लोगों को झूमते उछलते और कूदते हुए देखा जा रहा है। क्यों सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर ही इन्वेस्टिगेशन बैठी गई है और क्यों इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया गया है, और क्यों इन पादरियों को टारगेट नहीं बनाया गया, और अन्य धर्मों को क्यों टारगेट नहीं बनाया गया? क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या कोई क्लिंजिंग चल रही है भारत में? अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ एक मुहिम शुरू हुई है जिसके चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी घेरे में आ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये अच्छा है या बुरा है? क्या ये सही नहीं होगा कि देश से पूरी तरीके से सुपरस्टिशन खत्म हो जाए, अंधविश्वास खत्म हो जाए? कई ऐसे लोग हैं, ग्रामीण लोग, जिनके यहाँ झगड़े होते हैं इन सब बातों को लेकर कि किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, किसी पड़ोसी ने कुछ कर दिया है, किसी सगे संबंधी ने कुछ करवा दिया है, इस तरीके से लड़ाइयाँ होती हैं। लोग लाखों रुपए पूजा पाठ में लगा देते हैं अपने धर्मों के हिसाब से, झाड़ फूंक में लगा देते हैं अपने धर्मों के हिसाब से, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन ये विश्वास दिला देना कि यहाँ जाने से आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिल जाएगी, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाएगी, अगर आपको बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, ये कोई थोड़ा गलत नहीं लग रहा है आपको? ये नहीं होना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना भी गलत है। आइए जानते हैं पूरा क्या है मामला। पहले जानते हैं कि कौन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और क्या है इनकी कहानी बचपन से लेकर अब तक। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं और उन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। बागेश्वर धाम मंदिर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के कढ़ा नाम के गांव में है। ये मंदिर हमेशा से इतना बड़ा और इतना मशहूर नहीं था। बहुत समय पहले मरकट पहाड़ी के ऊपर भगवान शिव की एक मूर्ति होती थी, जहाँ पंडित भगवान दास गर्ग, जिन्हें दादा गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने यहाँ शंकर भगवान के बराबर में हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित कर दी। पंडित भगवान दास गर्ग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उन्होंने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद वो गड़ा गाँव पहुँचे। उन्होंने संन्यास ले लिया था और बागेश्वर धाम मंदिर में दरबार लगाया करते थे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सन 1989 में, मतलब 1989 में, उन्होंने यहाँ विशाल महायज्ञ करवाया था। उसके बाद इस मंदिर को आसपास के इलाके में बालाजी मंदिर के नाम से भी जानने लगे थे लोग। दोस्तों, इस जगह का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से जादू टोने से नहीं जुड़ा है। मरगढ़ पहाड़ी के पास एक शमशान घाट भी हुआ करता था। तंत्र सिद्धियां और जादू टोने जैसी गतिविधियां हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ जो दादा गुरु थे वो बालाजी की मूर्ति की पूजा करने लगे। सन 2012 से बागेश्वर धाम के सिद्धपीठ पर लोगों के दुखों के समाधान के लिए दरबार लगाने की शुरुआत हुई। अब यहाँ दादा गुरु नहीं बल्कि उनके पोते
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाने लगे थे। 4 जुलाई 1996 को पंडित धीरेन्द्र का जन्म हुआ। दोस्तों, उनकी एजुकेशन से लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये पता चलता है कि उन्होंने कम उम्र में ही रामायण की कथा बाजना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे लोगों ने इन्हें कथावाचक संज्ञा देना शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ साल पहले छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें इन्होंने स्थानीय मीडिया के सामने बताया गढ़ा इनका सिद्ध स्थान है और ये भी कहा यहाँ आइए और चमत्कार देखिए। तो मीडिया ने पूछा कैसा चमत्कार होता है यहाँ पर, तो पंडित ने कहा यहाँ पर कोई भी बल्ब लगाओ तो वो फूक जाता है, इसलिए मंदिर में सिर्फ दिए ही जलाए जाते हैं। लेकिन मीडिया ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कभी छोटी मोटी रिकॉर्डिंग टीवी पर दिखा दी जाती थी, लेकिन फिर पंडित धीरेन को सोशल मीडिया की जानकारी हुई। इन्होंने यूट्यूब और ट्विटर का इस्तेमाल शुरू किया, जहाँ इनकी वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगी। साथ ही पंडित धीरेन एक धार्मिक चैनल पर भी दिखाई देने लगे। ये दूसरे पंडित के साथ मिलकर अलग अलग जगह बड़ी बड़ी भागवत कथाएं कहने लगे, जैसे रामायण का पाठ, और फिर ये धीरे धीरे नेताओं और बड़े लोगों से भी जुड़ गए। बागेश्वर धाम में ये नियमित पाठ और आरती करते हैं। अब इनसे मिलना हो बागेश्वर धाम मंदिर में नारियल बांधकर इनसे अर्जी लगाई जाती है। इनकी यूट्यूब वीडियो से पता चलता है कि लंबे समय से लोगों की समस्या का समाधान करते हैं और उनका भविष्य उन्हें बताते हैं। ये एक पर्ची लिखते हैं जिसके ऊपर भक्तों के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। ये जानकारी पंडित धीरेन ने खुद अपनी सिद्धियों से प्राप्त की होती है और इस पर्ची पर इस भक्त की समस्या कब और कैसे खत्म होगी ये भी लिखा हुआ होता है। इनका दावा है कि ये हनुमान जी के खास भक्त हैं और ये कहते हैं कि ये लोगों की समस्या उन तक पहुंचा सकते हैं और उन्हीं से लोगों की समस्या का समाधान पूछते हैं। मध्य प्रदेश के लोगों में इनका खास प्रभाव है। यूं तो ये बहुत से विवादित बयान देते रहते हैं। ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को रोकने का काम करते हैं और कई लोगों को सनातन धर्म में वापस ला चुके हैं। ये कई बार मुस्लिम और ईसाई धर्म को भी निशाना बनाकर बयान दे देते हैं, जैसे ये कहते हैं कि फादर और चादर से दूर रहिए। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि जब कोई मुस्लिम अपनी समस्या इनके पास लेकर आए तो क्या ये उनके लिए बालाजी से प्रार्थना करेंगे, तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे और कहा हमारे दरबार में बहुत से मुस्लिम और ईसाई लोग भी आते हैं, बस हम उनके खिलाफ है जो धर्म परिवर्तन करते हैं और करवाते हैं और जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। इन्होंने पठान फिल्म के बायकॉट की अपील भी की थी। ऐसी विवाद इनके लिए तो आम है। दोस्त, दूसरे धर्म के हेड होते हैं जो वो दूसरों की सेवा नहीं करते। हिंदू धर्म में सबकी समस्या सुनी जाती है और उनका समाधान किया जाता है, तो दूसरे धर्म के लोग इससे जलन करते हैं, इसीलिए इनके ऊपर ये साजिश रची गई है। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।